बचपन में गाड़ी मिली गुड़िया नहीं, बंदूक मिली मिट्टी के बर्तन नहीं खिलौने में, शुरुआत तो वहीं से हो गई थी लड़का और लड़की में फ़र्क बताने में, इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया हमें ज़माने ने। हम लोग जब कक्षा में पढ़ते हैं छठवीं सातवीं कक्षा में, तो जब बच्चा बहुत शैतानी कर रहा होता है, लड़का बहुत शैतानी कर रहा होता है तो टीचर बोलता है इसको ऐसा करो लड़की के साथ बैठा दो हैं तो ये कम शैतानी करेगा। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है और शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन वो छठवीं सातवीं में तो बहुत बुरा लगता था कि लड़की के साथ बैठ गए हैं, लेकिन नहीं ग्यारहवीं बारहवीं तक आने में बैठा दे तो ठीक लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसको भी अपने शब्दों में रखा है कि कक्षा में लड़का लड़की का बहुत बड़ा हौवा सा था, कक्षा में लड़का लड़की का बहुत बड़ा हौवा सा था, जितना डर मास्टर जी से नहीं लगता उससे ज़्यादा लड़की के साथ बैठने से लगता था, जितना डर मास्टर जी से नहीं लगता उससे ज़्यादा लड़की के साथ बैठने से लगता था, पर इस डर का रोजाना हमें काबू में करने का फ़ायदा उठाया जाता था, इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया हमें ज़माने ने। वैसे तो किसी से नहीं डरते थे बस डर लगता था लड़की से हारने में, क्योंकि पता था लोग कसर नहीं छोड़ेंगे मौज उड़ाने में, इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया हमें ज़माने। आजकल फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, जहाँ पे देखा तुरंत हाय हेलो भेज देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की एक दूसरे को हाय हेलो भेज देते हैं। तो उस पर कुछ लिखा है कि लड़की हमें हेलो भेजे तो यह उसकी आधुनिकता है, लड़की हमें हेलो भेजे तो यह उसकी आधुनिकता है, और हम भेजें तो खराब हमारी मानसिकता है। हम तो लगे रहे अपनी दोस्ती निभाने में, और वो अपनी दोस्तों से बोली ये लड़का लगा है मुझे पटाने में। इसलिए इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया हमें ज़माने ने। दहेज के विरोध में तो हम भी थे, फिर भी उसने एक बार भी ना सोचा मेरे खिलाफ दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवाने में। बात सिर्फ इतनी थी वो संभव नहीं हुई मुझे मेरे माँ बाप से अलग करवाने में। इसलिए इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया इस ज़माने ने। मैं निंदा करता हूँ बलात्कारियों की और मांग करता हूँ सजा फांसी की, परंतु रो पड़ता हूँ सुनकर दास्तान झूठे बलात्कार में फंसाए गए बेकसूरों की। इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया हमें ज़माने ने। हमारे संविधान में महिलाओं को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन एक महिला बेंगलोर में बैठी हो और दिल्ली के किसी आदमी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाती है और वो बंदा वहीं का वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी जांच पड़ताल के, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत बड़ा विशेष दर्जा प्राप्त है। कुछ तो इसको सही रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं, बाकी कुछ तो बस उत्पीड़न का काम करती हैं। अधिकार तुम्हें खूब मिले हैं संविधान में, कृपया इनका हनन मत करो, मुकदमा लिखवाने की नौबत आए तो एक बार मनन भी करो, इतने बुरे तो हम भी नहीं जितना बना दिया हमें ज़माने। धन्यवाद।